हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ सर्दियों की खास रेसिपी, मक्के के ढोकले, जो सर्दी में सप्ते में एक बार तो बनते ही बनते हैं, सबके फेवरेट होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट एवं टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ इस तरह से 2 कटोरी आटा लिया है, 2 कटोरी आटा ले लेना है। 1/2 चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी डाल देंगे सौंफ और यही 1/2 चम्मच लेंगे अजवाइन, 1/2 या 1 चम्मच अजवाइन लेनी है। मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन ही लिए। इसको इस तरह से हथेली पे अच्छे से क्रश करके फिर डाल देंगे इसमें। अजवाइन से ढोकले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए अजवाइन का जरूर यूज करें। अब थोड़ा इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, इसी के साथ इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग पाउडर। हींग से भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये ढोकलों का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए हींग भी ज़रूर डालें। और यही मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ली है। अगर आप अभी जो सर्दियों में हरी मेथी आने लग गई है तो आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो यहाँ हरी मेथी का भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास हरी मेथी नहीं, कसूरी मेथी है, तो कसूरी मेथी लिए थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, इसी के साथ इसमें थोड़ा सा डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जरूर डालें, बेकिंग सोडा डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये ढोकलों की सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होती है, तो बेकिंग सोडा डालना ना भूले। यही मैंने इसमें 1/2 कटोरी बेसन का भी यूज किया है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम नरम स्मूथ सा इसका डो तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बेसन मेरा डालने का मन नहीं था लेकिन मैंने लास्ट में सोचा चलो थोड़ा बेसन भी डाल देते हैं, क्योंकि बेसन से क्या है ये थोड़े और ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो ये इस तरह से इसका डो तैयार कर लेना है, बिल्कुल नरम स्मूथ सा करेंगे इसका डो को, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, नहीं तो आपके ढोकले ज़्यादा फूलेंगे नहीं और सख्त बनेंगे। इसलिए अगर इसका नरम आटा लगाओगे तो आपके ढोकले अच्छे से फूलेंगे भी और नरम भी बनेंगे। तो इस तरह का एकदम नरम सा इसका डो तैयार कर लेना है। तो ये हमारा इसका आटा तैयार हो चुका है। अब इसको क्या है, मैं बनाऊंगी गोल आकार में नहीं बनाने वाली हूँ मैं आज थोड़ा इनका डिफरेंट शेप देंगे। तो इस तरह से ये इस तरीके का इसका शेप दे देना है, लंबे लंबे लड्डू जो देखा हो कभी तो इसमें के मुरमुरे के लंबे लड्डू होते हैं, इस तरह का इनका शेप देंगे। तो सारे आटे के इस तरह से ये बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इधर ले लेंगे एक पतीला, उसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ मैं दो लोटे पानी ले रही हूँ, 2 लोटे का मतलब है लगभग 1 लीटर इतना पानी लिया है मैंने। अब इसके ऊपर एक छेद वाली छलनी रख देंगे, ये इस तरह की छेद वाली छलनी लेनी है। इस
इसमें एक दिन मेरे हस्बैंड ने मूंगफलियाँ को भून लिया तो छलनी को मेरी काली कर दिया, पूरी छलनी की दशा बिगाड़ दी। अब इसमें इस तरह से ऑयल लगा देना है जिससे हमारे ढोकले इसके चिपके नहीं, तो यहाँ मैंने ऑयल भी लगा दिया। अब एक एक करके सारे ही ढोकलों को यहाँ इसमें सेट कर देना है इस तरीके से। अब इसको कवर करके लगभग 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। तो देखिए 20-25 मिनट बाद ये हमारे ढोकले चेक करते हैं, तो यहाँ टूथपिक लिया है मैंने, इससे इसको चुपा के देखते हैं। तो देखिए ये हमारे ढोकले अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ ये हमारे ढोकले निकाल लिए मैंने एक तरफ, अब ये ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए एकदम ठंडे हो गए हैं ये। अब इनको आप चाहो तो बाटी के ओवन में कंडे में सेक के भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इनको हल्का सा थोड़ा तेल डाल के और तेल में शैलो फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मैंने लगभग 2 छोटे चम्मच तेल का यहाँ यूज किया है। इनमें डाल देंगे सारे ढोकलों को और उलट पुलट करते हुए इनको सेक लेना है। इस तरीके से इनको अच्छा सुनहरा होने तक अच्छे से सेक लेना है। अगर किसी को ऑयल पसंद नहीं हो तो आप इनको कंडे पे या बाटी का जो ओवन रहता है उसमें बिना ऑयल के भी सेक के यूज कर सकते हो। तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए अच्छा सुनहरा होने तक इनको शैलो फ्राई करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो देखिए ये हमारे ढोकले एकदम परफेक्ट पक चुके हैं, एकदम टेस्टी। इस तरह से क्या है ये अच्छे कुरकुरे हो जाते हैं बाहर से, अंदर से तो सॉफ्ट ही रहते हैं लेकिन बाहर से क्या है अच्छे कुरकुरे हो जाते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके सारे ढोकलों को मैंने यहाँ इस प्लेट में रख लिया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब इनको दाल चटनी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। फिलहाल मैंने हरे धनिया की चटनी और कढ़ी बनाई है इनके लिए, तो इनको सर्व कर देंगे। आपको मेरी रेसिपी अगर जरा सी भी अच्छी हो लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय।